हम इंसानी सोच को जो है उसको लेके चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बिग बैंग की। बिग बैंग क्या है इसको जरा जानने के लिए देखिए कि एक बहुत बारीक ऑब्जेक्ट साइज में इतना छोटा कि वो एटम से भी कई गुना छोटा एक एनर्जी का पैकेट था, फिर उसमें ब्लास्ट होता है, वो फट जाता है। जैसे ही वो फटता है तो उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है, इस तरह कह लें कि एक मुतनाही ऑब्जेक्ट लामुतनाही एनर्जी को जन्म देता है। वो इतनी ज्यादा एनर्जी कि जो पहले दिन से लेकर टिल द एंड ऑफ टाइम तक हर एक फिनोमेना के लिए बहुत काफी है। इंसान हो, जानवर हो, सितारे हों, सियारे हों, कॉमेट्स हों, आसमान हों, इन सब के लिए वो एनर्जी जो है उसने जन्म लिया। इस धमाके से फटने वाले ऑब्जेक्ट को या इस फिनोमेना को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी जो है इसके मुताबिक जो है 380,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग कायनात में धुआं ही धुआं था। उस धुएं में से सबसे पहले एटम ने जन्म लिया, वो एटम हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जो बनने वाला उस धुएं में से कुदरत ने उसको जन्म दिया, वो पहला एटम हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन जो है इससे आगे अगर हम चलें तो 13.4 बिलियंस ऑफ अगो जो है बिग बैंग के 300 साल बाद ग्रेविटी ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। उसने धुएं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखें, ग्रेविटी ट्राई टू कंजील द डिफरेंट स्मोक अराउंड द कॉर्नर और उस स्मोक का जो टेम्परेचर है तकरीबन 80 मिलियन फॉरेनहाइट तक चला गया। अब इतना ज्यादा जो दर्जा हरारत है जब पहुंच गया तो माहौल पैदा हो गया कि यहां पर हाइड्रोजन ने दूसरी हाइड्रोजन से मिलकर फ्यूज टुगेदर मेक न्यू एलिमेंट्स। उसमें उसने हीलियम बनाया, लिथियम बनाया और इसी तरह के लाइट जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स थे उनको जन्म दिया। इसी दौरान तकरीबन जो है वो 25 एलिमेंट्स जो हैं वो बने। अब ये एलिमेंट्स कहाँ बने? इन एलिमेंट्स को बनाने के लिए जब ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिला और इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली और इस एनर्जी से जन्म लिया पहले सितारे ने, इस कायनात में पहले सितारे ने जन्म लिया। यूं कह सकते हैं कि सितारे बज़ाहिर तो हमें रोशनी देते हैं लेकिन उनके अंदर एलिमेंट फैक्ट्री है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स को जन्म देते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूजन रिएक्शन से मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स बनते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनके लिए इतनी एनर्जी काफ़ी नहीं थी। सो यही जो सितारे थे, पहले सितारे ने जन्म लिया, उसके बाद पूरी कायनात जगमगाने लग गई सितारों से। और उसके बाद सितारों ने जब ग्रेविटी, जिस तरह मैंने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी ब्लैक होल या वॉर्म होल की, तो इसी तरह सितारे की जब एनर्जी कम पड़ने लगी तो वो ब्लास्ट से फट गया। जब उसका सेंटर जो है वो मटेरियल पार्ट बन गया तो वो फट गया। इस फटने को सुपरनोवास कहते हैं। सुपरनोवा के बाद बहुत सारे ऐसे हैवियर एलिमेंट बनते गए पूरी कायनात के अंदर, जो है वो सुपरनोवास ब्लास्ट जो है वो होना शुरू हो गए। और उसके बाद इन्हीं ब्लास्ट के नतीजा में आहिस्ता आहिस्ता जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो बनना शुरू हो गए, जिनमें जो है वो गोल्ड है, यूरेनियम है और इसी तरह की जो है वो हैवियर एलिमेंट्स हैं लाइक कॉपर हैं। ये सारे के सारे सुपरनोवा के बाद बनने शुरू हो गए। लेकिन सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि सफ़र यहाँ से शुरू होता है। देखिए, अगर इस वक्त हम जो है वो
कायनात में नजर दौड़ाएं तो वहां पर सितारे ही सितारे हैं, वहां पर कोई सियारा यानी कि प्लैनेट कोई नहीं है। प्लैनेट बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह घर को बनाने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल का एक जगह पर इकट्ठा करना फिर उससे एक घर की तामीर करना जो है वो मुमकिन होती है, बिल्कुल इसी तरह जब कायनात या सोलर सिस्टम की तामीर के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो चाहिए था और वो मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स में इकट्ठा होता गया और इस इकट्ठे होते हुए मटेरियल को तकरीबन 88 बिलियन ईयर्स लग गए, जो कि कुल कायनात की जिंदगी का आधा बनता है। मतलब बिग बैंग के बाद तकरीबन 8 से 9 बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो एक सोलर सिस्टम की बुनियाद पड़ी। इसमें जो है वो सबसे पहले 99.9% जो मटेरियल था वो सूरज के इर्द गिर्द जमा हो गया, जिस जो कि एक निजामे शमसी के बनाने के लिए काफी था। इसी मवाद जो है इस मवाद से ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मवाद इकट्ठा होता गया, कंजील टुगेदर, बिल्कुल इसी तरह इकट्ठा होता गया जिस तरह कभी आपने जो है वो पॉपकॉर्न्स और जो है गुड़ उनका मिक्सचर से आपने एक गोल सा जो है वो गोला बनाया हो जिसको हरफे आम में हम पिन्नी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो कंजील्ड हो गया, कंजील टुगेदर। और इस कंजील होते हुए भी जमीन जो है वो बिलफर अभी भी एक ठीक ठाक दर्जा हरारत रखती थी, मोल्टन स्टेट में थी, पिघली हुई हालत में थी और उस वक्त उसका जो सूरज के गिर्द चक्कर था वो भी तकरीबन 6 घंटों का था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जमीन का टेम्परेचर कम होता गया, उसकी सरफेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो जो है वो उनका टेम्परेचर कम होता गया और जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो उसकी कोर तक जाने लग गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये फिनोमेना हो रहा था इसी दौरान तकरीबन जो है एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज तकरीबन मार्स जितना था उस वक्त, उस वो ऑब्जेक्ट जो है वो आके जमीन से टकराया। अब जब जमीन से टकराया तो वो मोस्टली वो जो ऑब्जेक्ट था वो जमीन ने इनगल्प कर लिया, जमीन ने हड़प कर लिया। अब उसके हड़प होने से बिल्कुल ऐसी तरह फर्ज करें कि जिस तरह एक कीचड़ का टब है और उसके अंदर हम बहुत जोर से एक बॉल को हिट करें तो उसके हिट करने से वो कीचड़ जो है वो फिजा में उड़ेगा, इरप्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह जब वो ऑब्जेक्ट चांद जमीन के ऊपर आके टकराया तो वो उसका मोस्टली पार्ट तो इरप्ट जो है वो इनगल्प हो गया लेकिन कुछ मटीरियल जो अर्थ का था वो फिजा में उड़ गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मटीरियल जो है वो इकट्ठा हुआ और उसने एक चांद की शक्ल ली। इसी तरह कुल मिलाकर जो है हमारे पास जो हमारा सूरज, जमीन और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जमीन ने जो है वो जन्म ले लिया। अब बिग बैंग से लेकर आज तक ये पूरी एक शॉर्ट टाइम में मैंने आपको एक डिटेल इसकी जो है वो बड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसको बताया है कि किस तरह जो है वो बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद किस तरह जो है वो स्टार बने, स्टार के बाद किस तरह जो है वो प्लैनेट फॉर्मेशन हुई, प्लैनेट्स के बाद जो है वो उनका मून जो है वो किस तरह बना। अब अगर हम इसको देखें तो ये चांद ने जमीन को बैलेंस कर दिया, एक तरफ सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स थी दूसरी तरफ चांद, और इस तरह ये चांद ने जमीन को एक बैलेंस फॉर्म में ले आया और एक खास रास्ते पर चांद और जमीन सूरज के गिर्द घूमने लग गए, निजामे कुदरत कायम हो गया। तो चलिए हम उसी की भेजी हुई किताब से गौर करते हैं और निशानियां जानने की कोशिश करते हैं। एक बात ज़रूर याद रहे कि कुरान पाक निशानियों की किताब है लेकिन हर निशानी में हिकमत है, दानाई है। तो चलिए पहली निशानी के ऊपर गौर करते हैं, सूरत 41 आयत नंबर 11। इसमें कहा गया, इसका मफहूम कुछ यूँ है कि ज़मीन और आसमान जब धुआं ही धुआं थे और वो मुखातब हुआ उनकी तरफ और कहा वजूद में आ जाओ तुम चाहो या ना चाहो। तो ज़मीन और आसमान
वजूद में आ गए फरमाबरदारों की तरह, और इसी तरह निज़ाम कुदरत कायम हो गया। दूसरी निशानी सूरत अर-रहमान में जिक्र है, उसका कुछ मफहूम यूं है कि चांद और सूरज अपने अपने मदार में गर्दिश में हैं, बूटियां और दरख्त सजदे में हैं, और आसमान को बुलंद कर दिया गया और तवाज़ुन कायम कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ी बड़ी गहरी और बड़ी सोच तलब निशानी है, इस पर भी अगर हम गौर करें तो हमें काफ़ी कुछ समझने के लिए है हमारे पास। ये उम्मीद है कि आपको मेरा ये काम बहुत पसंद आ रहा होगा, लिहाजा अपनी पसंदीदगी का इजहार सब्सक्रिप्शन में ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके कमेंट्स को भी जो है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में यूज़ कर सकें, और आप बता सकें कि हमारे व्यूवर कितने चाहने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।